हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या मल्टी प्रोग्रामिंग में एंड मल्टी प्रोसेसिंग में। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ना, वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है ताकि मल्टीपल प्रोग्राम्स को ना होल्ड कर सके मेमोरी में एक ही वक्त में। हाउएवर ओनली वन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, लेकिन होता सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट है एक ही वक्त में। अब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, प्रोग्राम्स के दरमियान में ऐसे स्विच कर रहा होता है कि आपको ऐसे लग रहा होता है कि वो प्रोग्राम्स जो है ना वो साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक ही वक्त में सभी प्रोग्राम जो है ना वो रन हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रोग्राम होता है ना वो एक ही वक्त में एक ही जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं आपस में कि आपको जो है ना फील ही नहीं हो पा रहा होता कि जो प्रोग्राम है वो ना साइमल्टेनियसली रन नहीं हो रहे। आपको ऐसा लगता है जो प्रोग्राम्स है ना वो साइमल्टेनियसली ही रन हो रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है, इससे क्या होता है, जो CPU की यूटिलाइजेशन होती है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको हर वक्त बिजी रखा जाता है। इस वजह से क्या होता है, CPU जो है ना मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। बेसिकली इसका पर्पस ये है मल्टी प्रोग्रामिंग का कि CPU की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग की एग्जांपल क्या, आप स्मार्टफोन रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस, जैसा कि आप स्मार्टफोन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हो, तो वो एग्जांपल है मल्टी प्रोग्रामिंग की। अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को कि वो मेमोरी में होल्ड हो सके एट दी सेम टाइम, एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम्स को होल्ड करती है मेमोरी। अब इसकी मिसाल लेते हैं, जैसा कि आपने ना स्मार्टफोन में मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन किया, जैसा कि व्हाट्सएप हो गया या वेब ब्राउज़र हो गया या म्यूज़िक प्लेयर हो गया, आपको ऐसा लगता है कि आपने ना इन तमाम एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन किया है, लेकिन असल में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो इतना क्विकली स्विच करता है एप्लीकेशंस में कि आपको ऐसा भरम होता है कि तमाम जो है ना एप्लीकेशंस कॉन्करेंटली रन हो रही हैं, लेकिन क्या होता है, असल में ना एक ही एप्लीकेशंस एक ही वक्त में रन हो रही होती है, लेकिन आपको ना ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि तमाम जो है ना एप्लीकेशंस कॉन्करेंटली रन हो रही हैं। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो CPU है ना उसकी जो है ना परफॉर्मेंस भर जाती है, उसकी यूटिलाइजेशन भर जाती है, और क्या होता है, CPU को आइडल टाइम भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो CPU है उसकी जो है ना परफॉर्मेंस भी भर जाती है। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं या आप उनको कोर्स भी कह सकते हो, वो ना मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं विद अ सिंगल कंप्यूटर, यानी कि एक ही कंप्यूटर में ना मुख्तलिफ टास्क जो होते हैं ना वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या होता है, हर प्रोसेसर क्या करता है, वो ना अपना टास्क इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहा होता है। इससे क्या होता है, इसकी ना जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि हर प्रोसेसर क्या करेगा, वो अपना अपना टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा। इससे क्या होगा, हर प्रोसेसर अपना ही टास्क परफॉर्म करेगा, इससे जो होगा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो होते हैं ना मल्टी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। अब एग्जांपल क्या है मल्टी प्रोसेसिंग की, आ मॉडर्न PC विद अ मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी कि आजकल के जो मॉडर्न PC है ना वहाँ पे मल्टी कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, वो है एग्जांपल, ताकि मल्टीपल प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट किया जा सके साइमल्टेनियसली। इन मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीपल कोर्स आर अवेलेबल, यहाँ पे क्या होते हैं, मल्टीपल कोर्स अवेलेबल होते हैं, सो द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, ताकि जो है ना आप जो है ना मल्टी प्रोसेसिंग कर सको साइमल्टेनियसली, इसलिए मल्टीपल कोर्स अवेलेबल किए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा एक कोर जो है ना वो वीडियो गेम को जो है ना हैंडल कर रहा है, और दूसरा कोर क्या कर रहा है, वो ना वीडियो को जो है ना कंपाइल कर रहा है, और जो तीसरा कोर है ना वो ना बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है। इससे क्या होता है, जो हर कोर होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा होता है एक ही वक्त में। इससे क्या होता है, जो ना पैरेलल टास्क होते हैं ना वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, और ना CPU की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है इससे।
तो ये जो है ना मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आजकल के मॉडर्न पीसीज में इस्तेमाल होता है ताकि जो है ना आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सको, मल्टीपल टास्क जो है ना वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सको, आपको वेट ना करना पड़े। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बच जाएगा और आप जो है ना कम वक्त में बहुत सारे जो है ना टास्क परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मॉडर्न पीसीज में। तो ये डिफरेंस था मल्टी प्रोग्रामिंग में एंड मल्टी प्रोसेसिंग में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।